हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको डिश टीवी में अपना पैकेज को कैसे चेंज करें, कौन सा हमें पैकेज सस्ता या कौन सा महंगा जो हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। दोस्तों कैसे हम अपना पैकेज चेंज करें, कैसे हम अपना HD चैनल लगाएं, कैसे अपना HD चैनल लगाएं। SD और HD चैनल में अंतर होता है दोस्तों। HD के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं और SD के प्राइस थोड़े कम होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सा पैकेज लेना चाहिए दोस्तों, कि हम हमारे लिए कौन सा अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, एक बार जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाए चैनल को। दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है दोस्तों और माई डिश टीवी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना है दोस्तों और माई डिश टीवी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद देखिए ऐसे आपके पास ऊपर भी आएगा। सबसे पहले आप अगर आप रिचार्ज करवाने चाहते हो दोस्तों तो आप करवा सकते हो। ये देखिए इस पे क्या है दोस्तों, अगर आप अगर 3 महीने का रिचार्ज कराते हो या 3 महीने का रिचार्ज कराओगे तो आपको 7 दिन एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। दोस्तों अगर 6 महीने का रिचार्ज आप कराओगे दोस्तों तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 मंथ कराओगे तो 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब हम ऐसे रिचार्ज करवा सकते हैं दोस्तों। वो अपने ऊपर आप देख लेना दोस्तों, आपके क्या ऊपर है, 3 महीने का या 6 महीने का या 12 महीने का, आप अपने हिसाब से करवा लेना दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें पैकेज चेंज करना है तो कैसे हम चेंज करें। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे पास देखिए सुपर फैमिली SSM अगस्त 2019 है, ये हमारे पास पैकेज है दोस्तों। सुपर फैमिली HSM अगस्त 2019 हमारे पास ये पैकेज है दोस्तों। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप नीचे देखिए, ये देखिए नेक्स्ट रिचार्ज मेरा है 349 में। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि उनको अपना रिचार्ज भी पता नहीं होता कि महीने में कितना रिचार्ज है, कितना करवाना है, वो अब ऐसे करवा लेते हैं दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा चैनल भी चालू करवा लेते हैं दोस्तों, कि हमारे पास सोनी सब आ रहा है, वो HD आ रहा है, हमें बिना HD का भी चाहिए तो हम उसको भी चालू करवा लेते हैं। तो उसका हमें टैक्स ना दोस्तों अलग देना पड़ता है। मेरे अकाउंट में दोस्तों अभी 8 रुपये है। मैंने 28 सितंबर 2020 को रिचार्ज करवाया था और बंद हो गया था 1 अक्टूबर 2020 को दोस्तों, यानी मैंने अभी तक मैंने रिचार्ज नहीं करवाया दोस्तों। तो अब मैं इसको रिचार्ज, यहाँ पे ये देखिए GST नंबर टू अपडेट योर GSTIN नंबर, यहाँ पर क्लिक करके मैं पता लगा सकता हूँ दोस्तों। लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पर पैकेज पे क्लिक करूँगा, अपनी डिटेल जानूँगा दोस्तों। डिश टीवी कॉम्बो 170 रुपये प्राइस है दोस्तों। NCF 153 मतलब 153 रुपये प्राइस इसका, और इसकी फ़ीस होगी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारे 25 रुपये होगी। ये मिलाकर 348 रुपये, यानी 48 रुपये और 64 पैसे, यानी 349 रुपये का ये मेरा पैकेज हो गया दोस्तों। पैकेज हो गया दोस्तों। अब इसमें मेरा मोबाइल नंबर ये रजिस्टर है दोस्तों। कभी कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं दोस्तों। कभी कभार मैसेज नहीं आता रिचार्ज ख़त्म होने का, हमें पहले पता नहीं लगता दोस्तों। तो हम इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालकर दोस्तों चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारा जब भी हमारा रिचार्ज यहाँ से ओके कर लेंगे तो सेव हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर हमारा कभी भी रिचार्ज ख़त्म हो गया ये तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा। 10 दिन पहले हमारे पास मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी 3 दिन पहले, ऐसे कुछ आ जाएगा दोस्तों, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ GST नंबर और ये, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों, मैं एक बार दिखाई देता हूँ। ये जो कि दोस्तों ये जो आ रहा है ना दोस्तों, ये वाला, ये क्या होता है चैट विथ डिश टीवी हेल्प है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम डिश टीवी से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए हाय आई एम दिशा योर पर्सनल डिश टीवी
असिस्टेंट। हम इससे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे माई डिश टीवी इज़ नॉट वर्किंग, एड चैनल न्यू को अगर हम चैनल ऐड भी करना चाहते हैं, कोई हमारे पैकेज में ये चैनल नहीं आता है तो हम इसको ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है रिचार्ज ऊपर, हम रिचार्ज का ऊपर भी जान सकते हैं, करेंट बैलेंस भी जान सकते हैं, पैकेज डिटेल भी जान सकते हैं और अदर क्वेरी भी जान सकते हैं। अब मैं आपको ये डालता हूँ करेंट बैलेंस, यूआर डिश टीवी अकाउंट करेंट बैलेंस इज़ 8 रुपये, मतलब 8 रुपये। रिचार्ज ऊपर, देखिए ये मेरे पास 3 ऑफर आया, नहीं 4 ऑफर, 5 ऑफर आए दोस्तों। देखिए 6 मंथ का रिचार्ज 1944 में डिश टीवी वेबसाइट ऐप पर। अब इसके अंदर क्या फ़ायदा है वो हमें देखना पड़ेगा। फिर 12 मंथ का रिचार्ज 3888 रुपये फॉर डिश टीवी वेबसाइट। ये देखिए मेरे पास ऑफर आ गया 199, 597 भारत स्पोर्ट पैक 199 रुपये में पड़ेगा, 219 रुपये फैमिली एज हिंदी, ये मेरे लिए ऊपर है दोस्तों। दूसरा प्रोग्रेसिव विथ ऑफर, यहाँ पर क्लिक करूँगा, बियर विथ मी वे आई लुक, ये अकाउंट डिटेल मांग रहा है दोस्तों। अब मैं इसमें देखता हूँ पैकेज डिटेल, मेरा पैकेज डिटेल आ गया दोस्तों। देख स्वीट वो अकाउंट 1 अक्टूबर 2020 8 रुपये क्लेम मिला, मेरा कार्ड नंबर है दोस्तों और बेस पैक है सुपर फैमिली SSM 19 है, 19 में नहीं आया लेकिन है दोस्तों। और फीस 25 रुपये दोस्तों और 153 रुपये NCF फीस है दोस्तों। रिचार्ज 348 रुपये का देखो है दोस्तों। अब इसके अंदर आ रहा दोस्तों क्रेड बनर एड चैनल, एड चैनल पे योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव, प्लीज रिचार्ज योर डिश टीवी अकाउंट बाई क्लिकिंग ऑन बलो लिंक है। पहले मुझे रिचार्ज करना होगा फिर मैं अपने चैनल ऐड कर पाऊंगा दोस्तों। ये आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर। और ये आ रहा है यहाँ पर, हम फीडबैक दे सके, क्लियर क्लियर ऑफ चैट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ दोस्तों, मैं अगर मेरे अकाउंट में और भी पैसे हो और इसमें शो नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों अपने पैकेज के अंदर चैनल कैसे ऐड करें, अपने ऐप से माई डिश टीवी ऐप से अपने पैकेज के अंदर चैनल, नए चैनल कैसे ऐड करें, उनका क्या प्राइस होगा दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये बताऊंगा कि अगर मुझे ये मेरा पैकेज है ना, जैसे सुपर फैमिली ऐसे 350, ये मुझे महंगा लग रहा, इसको मुझे छोटा करना, मतलब इससे छोटा थोड़ा पैकेज लेना, उसमें कौन से चैनल शामिल हुए हुए वो चेंज करना है मुझे। अगर 300 रुपये का पैकेज होगा या 250 रुपये का पैकेज होगा वो मुझे चाहिए, तो वो भी मैं आपको चेंज करके बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको और महंगा पैकेज चाहिए उसको आपको चेंज करना है, आपको सारे चैनल देखने हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, एक बार जो सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।